संख्या था? ये डाटा संख्या 1996 में है, जिसका रकबा 1.096 हेक्टेयर, इस पर अवैध कब्जा था, उसी को नगर निगम द्वारा हटा दिया गया है। जिला अल्पसंख्यक अधिकारी भी मौजूद रहे, DSO भी मौजूद रहे, इसमें जो भी अस्थायी निर्माण हटा दिया गया है, जो स्थायी निर्माण है घर वगैरह, उनको आगे की कार्रवाई, जो विधिक कार्रवाई है उसको आगे बढ़ाया जाएगा, उसके तहत। तो जिन लोगों ने जमीन कब्जा रखी थी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी करेगी? जी, इनके खिलाफ जो विभाग हैं, संबंधित विभाग हैं, वो मुकदमा दर्ज कराएंगे और इनके ऊपर जो भी जुर्माना लगेगा, विधिक जुर्माना लगेगा, उसको लगाएंगे। किस तरीके से कब्जा रखी थी सर इन्होंने, क्या था? अस्थायी निर्माण बना रखे थे, जो गैर कानूनी बसाते हैं वो बना रखे थे, यहाँ से अवैध संचालन होता था, उगाही का भी काम यहाँ से शिकायत में आया है, जो लोगों ने बताया था उस तरह का था। वो जितना भी अस्थायी निर्माण था उसको इनको जानकारी थी पहले से ही, लगातार हम लोग इसको उनको सूचित कर रहे थे। सर लगभग कितनी जमीन थी? 1.096 हेक्टेयर, अराउंड 14 बीघा, 13-14 बीघा जमीन है, इसको भी हटवा दिया गया। क्या सर पहले कितनी जगह होगी, क्या कीमत होगी लगभग मार्केट? सर्किल रेट के हिसाब से इसका जमीन का जो कॉस्ट है वो 70 करोड़ के अराउंड है, 70 करोड़ के आसपास ही होनी चाहिए और एग्जैक्ट फिगर वो निकाल दी जाएगी। क्या सर पहले कब्रिस्तान भी था यहाँ पे? नहीं, देखिए वो जो नॉन जेड का नंबर है वो आज भी सुरक्षित है, अभी भी सुरक्षित है, वहाँ कब्रिस्तान सुरक्षित है, उसको विधिक रूप से वो है एस्टेब्लिश है, उसको हम लोगों ने अभी नहीं कुछ किया है। अभियान जारी है सर आगे भी? हाँ, अभियान जारी है, जैसे सरकार की मंशा है, जहाँ भी अवैध निर्माण है, विभागों की जमीन जो कब्जाई हुई है लोगों ने भूमाफिया में, उनके खिलाफ अभियान जारी रहेगा। ठीक।